मुंडा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने व मध्य प्रदेश में बैकलॉग और छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता के लिए जयस सहित समस्त आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को कलेक्टर परिसर में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के रांची स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का एक हाथ तोड़ दिया गया था, जिसके बाद आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। बिरसा मुंडे की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा का एक हाथ तोड़ दिया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में क्रांतिकारी गुंडाधुर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ कर हाथ में रखी तीर कमान को तोड़ दिया गया था, जिससे आदिवासी समाज एवं राष्ट्रप्रेमी जनता में बहुत आक्रोश है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। साथ ही एक ज्ञापन और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 2003 के रिक्त पदों की भर्ती एवं सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को आवास भत्ता एवं छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर दिया गया। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र आक्रोशित हैं। छात्रों ने मध्य प्रदेश सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि छात्रों की समस्या की सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के लोकेश मुजालदा, नाजी कोषाध्यक्ष सुनील रावत, बिरसा ब्रिगेड दयाराम ठाकुर, छात्र संगठन बाबूलाल बघेल आदि लोग उपस्थित रहे। और बिरसा ब्रिगेड आदिवासी का परिषद आकाश के सभी संयुक्त तत्वाधान में युवा मोर्चा ने कलेक्टर ऑफिस में जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जो मूर्ति झारखंड में तोड़ी गई थी, उसके विरोध में आज ज्ञापन दिया गया। और हमारे जो आदिवासी में बच्चों की जो समस्या, स्कूल समस्या है, शिक्षा से संबंधित समस्या है, उसके बारे में भी आवेदन दिया गया।